सम्मान निधि का जो पैसा मैं भेजता हूँ हाँ वो आपको मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, खाते में जाता है, सीधा खाते में आ जाता है। भी माताएं बहनों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3000 रुपये मासिक पेंशन की योजना भी चल रही। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। अगर आप लोगों का भी एक जनधन खाता है तो अब आप लोगों को हर महीना 1500 रुपए की धनराशि मिलेगी। आपको बता दें हमारे देश में 14 करोड़ से अधिक लोगों को ये पैसा भी मिलना चालू हो चुका है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने गरीबों को आर्थिक मदद देने की बड़ी घोषणा की है। और अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, जैसे आप लोग अगर गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, विकलांग हैं, बेरोजगार हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप लोग भी आज आवेदन कर देते हैं, आपको प्रति महीना 1500 रुपए की धनराशि मिलेगी भारत सरकार की सरकारी योजना के अंतर्गत जुड़ने पर। आपको बता दें भारत सरकार की इस सरकारी योजना में कुछ शर्तें रखी गई हैं जो आप लोगों को मानना होगा, और कुछ आपके पास दस्तावेज होने चाहिए तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ ही प्रदेशों में ये योजना चल रही, तो हम आपको बता दें चाहे आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कहीं भी रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, सिर्फ आपके पास एक जनधन खाता होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, आज ही आवेदन करके आपको अब प्रति महीना 1500 रुपए की धनराशि मिल सकती है, जैसे हमारे देश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को ये पैसा मिलना चालू हो चुका है। आपको बता देना चाहते हैं भाई बहनों, भारत सरकार की इस सरकारी योजना के अंतर्गत जुड़ने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, चलिए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास किसी सरकारी बैंक में जनधन खाता होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट बैंक में खाता है तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड आपके जनधन खाते से लिंक होना चाहिए। अभी तक आपने अपने जनधन खाते से अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तब भी आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपकी महीने की आय 15000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोग 15000 से अधिक कमा रहे हैं प्रति महीना वो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। और चौथी शर्त यह रखी है भारत सरकार ने कि अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, तब भी आपको प्रति महीना 1500 रुपये आपके जनधन खाते में नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, आपके पास ये दस्तावेज हैं, तब आप लोगों का प्रत्येक महीना 1500 रुपये मिलेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है चलिए वो आपको हम बताते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से हर हफ्ते 5 लोगों को चुना जाता है और उनको 5 एंड्रॉयड के मोबाइल दिए जाते हैं। इस हफ्ते की भी महाप्रतियोगिता चल रही है। अगर आप लोग एंड्रॉयड का मोबाइल जीतना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना उत्तर देना है कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा काम अब तक का कौन से रहा है। आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। हमारे कंप्यूटर पर जिनका नाम सबसे पहले आएगा, जिनने सही उत्तर दिया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, उन्हीं में से 5 लोग चुने जाएंगे और इस हफ्ते उन 5 लोगों को उनके 5 एंड्रॉयड के मोबाइल भिजवा दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो लाइक करना कतई मत भूलिएगा। अब आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश में 14 करोड़ से अधिक किसानों को जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में 6000 रुपये मिलता है, अब वैसे ही भारत सरकार ने किसान के साथ गरीब, महिला, विकलांग, मजदूर, बेरोजगार वर्ग के भाइयों बहनों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कर दी है। अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं, आपकी उम्र सिर्फ 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म भरना है, आपको प्रत्येक महीना सिर्फ 150 रुपये जमा करना है, जिसके बाद जैसे ही आपकी आयु 60 साल के ऊपर हो जाती है आपको 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये की पेंशन प्रति महीना मिलना चालू हो जाती है। इस पैसे से आप लोग अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, मोदी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जुड़ें और अपने परिवार का और अपना भविष्य सुरक्षित करें। और अगर आप मोबाइल जीतना चाहते हैं, वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। वंदे मातरम, भारत माता की।